हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। आज वेदांता लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। डिविडेंड के अलावा तीन और बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं वेदांता लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में। टोटल फोर अनाउंसमेंट वेदांता लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज किए हैं। सो क्या है ये फोर अनाउंसमेंट, कितने का डिविडेंड वेदांता लिमिटेड में आया है, रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट क्या है, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले डिविडेंड की बात करें, अनाउंसमेंट कंपनी ने मार्केट क्लोज होने के बाद किए हैं। 418 पे एनएससी की वेबसाइट पे ये अनाउंसमेंट अपलोड हो गए थे। सबसे पहले कितनी वैल्यू का डिविडेंड आया है ये जानें। हमने कल की अपनी वीडियो में बहुत से लोगों से पूछा था कि कितनी वैल्यू का डिविडेंड आएगा, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है। बहुत से लोगों ने उस वीडियो में रिप्लाई दिया था, अराउंड 75 कमेंट्स आए थे। हमारे दो सब्सक्राइबर्स का व्यू वेदांता के डिविडेंड पे एकदम सही आया है। पहले व्यूअर है सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बताया था 11 रुपीज का डिविडेंड आएगा, और दूसरे व्यूअर है भार्गव पी, जिन्होंने भी बताया था 11 रुपीज का डिविडेंड आएगा। एग्जैक्टली हमारे इन दोनों सब्सक्राइबर का व्यू वेदांता के डिविडेंड पे बिल्कुल ठीक रहा है। वेदांता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में 11 रुपीज का फर्स्ट इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। इस डिविडेंड के लिए कंपनी टोटल पे आउट करेगी 4089 करोड़ का। परसेंटेज टर्म्स पे देखें तो फेस वैल्यू पे 1100% का डिविडेंड वेदांता लिमिटेड में डिक्लेयर हुआ है। मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन थी 15-20 के बीच में डिविडेंड आएगा, बट कंपनी ने डिविडेंड दिया है 11 रुपीज का। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि कम वैल्यू का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है कि कंपनी अब डिविडेंड पे फोकस नहीं कर रही है, अदर मैटर पे, ग्रोथ पे, इन्वेस्टमेंट पे, और अपने डेट को रिड्यूस करने पे फोकस कर रही है। 11 रुपीज के डिविडेंड पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने पहले ही अनाउंस कर दी थी। रिकॉर्ड डेट है 25 मई 2024, और इस डिविडेंड की पेमेंट कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइन एज प्रिस्क्राइब अंडर लॉ हो जाएगी। लॉ में प्रिस्क्राइब है कि डिविडेंड की पेमेंट कंपनी को विद इन 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन करनी होती है। सो 16 मई आज ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, आज से विद इन 30 डेज ये डिविडेंड एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पे हो जाएगा। और इस डिविडेंड के लिए कौन से शेयर होल्डर एलिजिबल होंगे, जो वेदांता में इन्वेस्ट करेंगे या इन्वेस्टेड होंगे वेदांता के शेयर को होल्ड करके रखेंगे रिकॉर्ड डेट तक, यानी कि 25 मई 2024 तक। सेकेंड अनाउंसमेंट की बात करें तो आज फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट भी होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था जो वेदांता लिमिटेड में आज होना था। वेदांता लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 8500 करोड़ की फंड रेजिंग को अपना अप्रूवल दिया है। कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इस फंड रेजिंग के लिए कंपनी को जो भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होंगे वो भी कंपनी लेगी, और अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेगी अगर इस फंड रेजिंग के लिए वो चाहिए होगा। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस फंड रेजिंग को अफेक्ट देने के लिए एक कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया है, जो कि डिसाइड करेगी इस फंड रेजिंग का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका फॉर्म ऑफ इश्यूरेंस कैसे होगा, मतलब कि फंड रेजिंग कैसे इश्यू होगी, प्राइस क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा, और इससे रिलेटेड अदर मैटर्स क्या होंगे। बट ये फंड रेजिंग किस मोड से होगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर कंपनी की तरफ से अभी कोई भी डिसीजन नहीं आया है। कमेटी ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज करी है इस फंड रेजिंग को अफेक्ट देने के लिए, वो ये डिसाइड करेगी कि किस मोड से फंड रेजिंग कंपनी करेगी। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें इस फंड रेजिंग की, तो ये टाइप ऑफ इश्यूएंस कैसा होगा ये डिसाइड होगा कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। इस फंड रेजिंग की टोटल कंसिडरेशन होगी अराउंड 8500 करोड़ की, और ये फंड रेजिंग किस मोड से होगी, कौन सी सिक्योरिटीज इस फंड रेजिंग के लिए इशू की जाएगी, क्या इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे, ADR GDR के थ्रू ये फंड रेजिंग होगी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए जाएंगे, या इनके कॉम्बिनेशन से ये फंड रेजिंग होगी, इस पर डिसीजन अभी नहीं आया है। लेकिन आज के अनाउंसमेंट में एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर राइट इशू का भी मेंशन नहीं है और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग FPO का भी मेंशन नहीं है। सो ये दो मोड नहीं ऑप्ट किए जाएंगे फंड रेजिंग पे, ऐसा मुझे लग रहा है आज के अनाउंसमेंट को देखकर। बट ये फंड रेजिंग कैसे होगी, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स का क्या डिसीजन होगा, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। इस मैटर में जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थर्ड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज की बोर्ड मीटिंग में हुआ है एक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। वेदांता ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि वेदांता कॉपर इंटरनेशनल VCI कंपनी लिमिटेड, जिसको कि हम VCI के नाम से यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी कंटिन्यूअस कास्ट कॉपर रॉड प्लांट सेटअप करने के लिए, और ये प्लांट सेटअप होगा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। इस मैटर में कंपनी ने पहले भी अनाउंसमेंट किया था 15 नवंबर 2023 की एक्सचेंज फाइलिंग में। आज की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि VCI एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट कॉपर रॉड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाहती है जिसकी प्रोजेक्टेड कैपेसिटी अराउंड 125 KTPA हो, और ये प्लांट KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में सेटअप होगा,
और इस प्लांट के थ्रू वेदांता लिमिटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहती है न्यू ज्योग्राफीज में, यानी कि न्यू कंट्री में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। इस इन्वेस्टमेंट के बाद VCI वेदांता लिमिटेड की डायरेक्ट होली ओन सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। इस मैटर में कंपनी ने पहले भी अनाउंसमेंट किए थे। 15 नवंबर की एक्सचेंज फाइलिंग में वेदांता लिमिटेड ने बताया था कि कंपनी ने एक न्यूली होली ओन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी है जिसका नेम है वेदांता कॉपर इंटरनेशनल VCI कंपनी लिमिटेड, और ये कंपनी 14 नवंबर 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी पहले होली ओन सब्सिडरी थी मालको एनर्जी लिमिटेड की, अब वेदांता लिमिटेड इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके बाद ये कंपनी वेदांता लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। पहले के अनाउंसमेंट में, यानी कि 15 नवंबर के अनाउंसमेंट में, कंपनी ने बताया था कि कंपनी का नाम होगा वेदांता कॉपर इंटरनेशनल VCI कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी की शेयर कैपिटल होगी SAR 1 लाख, और इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड होली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ मालको एनर्जी लिमिटेड, जो कि वेदांता लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। ये कंपनी कॉपर बिजनेस में डील करेगी और न्यू मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करेगी। पहले की एक्सचेंज फाइलिंग में, यानी कि 15 नवंबर की एक्सचेंज फाइलिंग में, कंपनी ने बताया था कि इस कंपनी के 100% शेयर हेल्ड करेगी मालको एनर्जी लिमिटेड। आज की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कंपनी का नाम वेदांता कॉपर इंटरनेशनल VCI कंपनी लिमिटेड ही रहेगा, कैपिटल भी सेम रहेगा, बिजनेस भी सेम रहेगा, कंपनी कॉपर बिजनेस करेगी और न्यू मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेगी। लेकिन वेदांता इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो अब ये वेदांता की होली ओन सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। इस कंपनी के सारे शेयर वेदांता लिमिटेड हेल्ड करेगी। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वेदांता लिमिटेड की तरफ से हुआ है। देखते हैं कल शेयर में क्या इम्पैक्ट हमें इन अनाउंसमेंट का देखने को मिलता है। फोर्थ अनाउंसमेंट भी एक कंपनी की तरफ से हुआ है। फोर्थ अनाउंसमेंट ये हुआ है कि कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट करेगी और उसमें क्लॉज इंसर्ट करेगी इस फाइनेंसिंग एग्रीमेंट के टर्म्स को इफेक्ट देने के लिए, और अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस अमेंडमेंट को करने के लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेगी। सो ये चार इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज की एक्सचेंज फाइलिंग में वेदांता लिमिटेड की तरफ से हुए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।